फैमिली आपने हमारा लिविंग इन बाथरूम देखा है? यस। फैमिली आपने हमारा लिविंग इन रूम देखा है? यस यस। लेकिन क्या आपने हमारा लिविंग इन किचन देखा है? नहीं। चलो झूठे देख तो रहे हैं वो लोग। यार अभी तो नहीं देख रहे ना, अभी तो शुरू करेंगे तब देखेंगे। सो फैमिली हम आपके लिए लेकर आए हैं द मोस्ट अवेटेड चैलेंज, जिसका नाम है लिविंग इन किचन विद माय ब्रदर एंड सिस्टर फॉर 24 आवर्स। सो फैमिली आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हर एक तरीके के मसाले पड़े हैं, ठीक है। वैसे हमारी ये किचन बहुत पुरानी है, बचपन से जब से पैदा हुए हैं हमने इस किचन को कतई नहीं बदला है, बिकॉज हमने कोई इसका रेनोवेशन नहीं किया। झूठ, ये बदला है। बड़ी बस सर, अरे वो तो सनमाइका चेंज किया है। अरे यार बदला तो इंसान भी होता है, लेकिन लोगों को वो बताता तो नहीं, उसकी हरकतें बताती है। सॉरी, एक चीज है किचन में और मेरे में। हाँ जी पूछो। क्या गैस बहुत है? दोनों में गैस बनती है। वो बात तो सही है। और सबसे सबको पता होता है कि सिंक चाहिए रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट किचन में। पर आज मैं सोच रही हूँ कि इधर हम लोग यू नो मुंह वो धो सकते हैं, ब्रश व्रश कर सकते हैं, सब कर सकते हैं इधर, बिकॉज लेकिन जो मैं करूंगा वो आप देखते रह जाओगे। आप क्या करोगे? वो जब देखते रह जाएंगे तभी पता लगेगा ना। ओके सो गाइस, जैसे कि मैं कह रहा था, गाइस मैं लाया हूँ एक छाता, मैंने अपना ड्रायर लाया है, कपड़े लाए हैं, चादर लाई है सोने के लिए, बहुत और चीज है। तुम बताओ। मैं बताती हूँ, मैम देखो ये वही लाई होगी, लिपस्टिक। शट अप, मैं बोलूंगी ना, मेकअप मेरा है काम। सो फैमिली एज यू नो स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम लोग उठे तो मैं अपने लिए ब्रश लेके आई हूँ, फैमिली थोड़ा सा मेकअप है, फेस वॉश है, फिर मैं टॉयलेट रोल लेके आई हूँ, बिकॉज मुझे ये किसी की शादी पे गई थी, वहाँ पर इसको सम्मानित किया गया कंबल के साथ, तो उन्होंने मुझे दे दिया। चलो पहली बार मेरी टर्न। मैं कहता हूँ उसके लिए आप अपनी आंखें बंद कर लो। ओके यस, मैं जरा सेट कर दूं तब तक, ठीक है? ओके खोलो। टाइटना फैमिली, मैं अपना लेके आया हूँ पीसी, क्योंकि यू नो 24 आवर्स है, बहुत ज्यादा बोरिंग हो सकता है, तो इसलिए मैं अपना पीसी लेके आया हूं। ओ यार तेरा दिमाग खराब है। मुझे भी दिमाग खराब है यार, नो इलेक्ट्रॉनिक वाले रूल्स होते हैं, तू भूल गया। साले जगह देख रहा है और मैं जगह बनाई हुई है, टेंशन ना लो। इसने स्टूडियो अपार्टमेंट समझ लिया। बाहर निकाल इसको। सुनो एक बात तो सुनो, या पीसी होगा। हां जी, या निक होगा, पीसी होगा। अरे मेरी बात तो सुनो यार, अबे जगह नहीं है यार, कह रहा हूं आ जाएगा, रुक जो। देख तीन जाने हैं, दो वर्ड जब जा रही है हां पे कि इसको निकाल, दैट मींस निकाल। हां सी, इसने भी हां का रखने के लिए, और इसने भी हां का रखने के लिए, और मैंने भी का हां रखने के लिए, तो हम चार जा रहे हैं, हम भी है। हां तो ये चल अब आ। और एक होते हैं महाढीठ, ये वो है। देखो फैमिली, हम गेमर्स के लिए आप छोटी सी जगह भी ले आओ, हम उधर ही अपना घर बसा लेंगे। और हाँ, जो इस चैलेंज में जीतेगा फैमिली, वो उसको मौका मिलेगा गोवा जाने का। तू बोले तो मैं बोल लेता हूँ। तो आपने गोवा, तो मैं मुझे मैंने बोला गोवा का टिकट। हाँ, उसको मिलेगा गोवा का टिकट, और जैसे ही गोवा का टिकट मिला वो जाके वहां पर एंजॉय कर सकता है। What are you doing? नहाने लगो। गर्मी पता कितनी है? गाइस आपको सिर्फ मेरा इतना मुंह दिख रहा होगा, नीचे मैंने ब्लर किया हुआ है। अभी भी जब हम इतने इतने होते थे तो हम इधर ही नहा लेते थे। आहा, ना 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 ना। देना सारा कैमरा। अबे बिना मत, अबे दिखा मत, क्या कर रही है, नहाने दे। ये क्या कर रहे हो यार, ये तो सबने पिकनिक स्पॉट बना दिया है। हेलो नहाने दो प्लीज, क्या कर रहे हो? एक जना नहा रहा है, और एक हेलो फैमिली, ये मैंने लाइफ में सीखा है, सिचुएशन कुछ भी हो अपने आप को साफ जरूर रखे। मैं टर्न कर लूं? टर्न कर लो।
नहा चुका है तेरा भाई। ये क्या सूखने डाला है भाई? ओ डूड, ये तो कोई ठंडा रूम है। बाहर क्या था? आउट होगा? बाहर कहाँ गया हूँ मैं? किचन से बाहर। I'm still in my kitchen, okay? कहीं बैठने का कि कोई कंफर्टेबली ना जगह मिल जाए, बट मुझे मिल नहीं रही, तो मैं अपना भी बिस्तरा इधर लगाने वाली हूँ, बिकॉज़ मैंने उधर देखा। यार मैं सोच रहा हूँ फैमिली, मेरे पास कोई जगह है नहीं, तू कहाँ भी नीचे लेटना चाहती है? मैं ऑब्वियसली तो ये सबसे पीसी पे लगा। नहीं, हम दोनों बातें कर रहे हैं और ये अकेला बैठा है। मैं मूवी देख रही थी दो दिन, पता है। सो तू भी बता, तू कहाँ सोने वाला है? मैं, अरे वी डोंट स्लीप मैन, हमें पीसी देता हूँ, 5-6 दिन तक जागे रहेंगे। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है गेमरों की। I know there will be a time that I have to survive a day like this. Family, मैं बता दूँ, ये ना पतले होने की दवाई खाता है इसलिए पतला हो रहा है, ये कोई जिम नहीं जाता, ये कोई बैग नहीं लगाता, ये कुछ नहीं करता। मैं पतले होने की दवाई खाई नहीं रहा, अभी कुछ भी झूठ मत बोल। Family, कोई पतले होने की दवाई नहीं खाता, ये कुछ भी बोल रही है। ये सिर्फ ये दवाई इसलिए खाता है कि ये जवान दिखे। तू नीचे? Yes. तो मैं ऊपर। और भाई बड़ी स्ट्रॉन्ग है आपको पता है ना? नहीं वो बात नहीं, आपको पता ना पिछले 30 साल से बन्नी ऐसी है। 30 भी नहीं उससे ज़्यादा। तो मुबारक हो, मैं और बन्नी दोनों सेम एज के हुए। आपका संवाददाता आ चुका है यहाँ पे, और आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज के हम संवाददाता के AATTV न्यूज पे लेके आए हैं कि ऋषि देव फ्रॉम जलंधर यहाँ से गिर जाएंगे अभी, बिकॉज आप ये बन्नी देख सकते हैं, ये 30 साल पुरानी बन्नी है और इनका वेट देखिए आप, मतलब, और जैसे आप देख सकते हैं चढ़ने की कोशिश हो रही है पर अभी ये गिर जाएंगे। गिरो गिरो, गिर नहीं रहे, गिर गिर आने में गिर जाएंगे। तेरी तेरी TRP के लिए मैं गिर जाऊं साले का। समझा था फिर से पीछे जा साला। ओए मैं ना तेरी अंडरवेयर निकाल दूंगा और वो पे अनसेंसर्ड वीडियो, मेरी पब्लिक एज रिस्ट्रिक्टेड होगी, फैमिली अपने पापा के फोन से देख लेगी। तेरी तेरे ना चित्र दिखा दूंगा मैं, पकड़ लिया तो तूने कसम। ओह माय गॉड, समझ आता, आप देख रहे हो पूरा हिल चुका है ये पूरा प्लेटफॉर्म। वो दैट दिस लुक्स सो गुड। ओ यार ये तो बड़ा स्ट्रांग निकला पीस। यस, आज आपका भाई यही सब नहीं यार, सो के कहीं मैं ऐसे पलटी ले ली ना तो मैं नीचे गिरूंगा। यार एक मिनट रुको, मेरे को भी ऊपर जाना है, पकड़। नहीं नहीं, इधर दीक्षा शर्मा आ गए हैं, हमारे रिपोर्टर ने लास्ट मिनट पे रिजाइन कर दिया है, तो जो कैमरामैन थे उनको कैमरामैन बना, जो हमें लगता है कि कामयाब नहीं हो पाएगी क्योंकि सब ऋषिदेव जैसे चढ़ नहीं सकते। फर्ज गिरने वाला ही हर जा, मुझे डर लग रहा है यार, पता नहीं क्यों गिर पड़ी है। उनको बहुत डर लग रहा है क्योंकि उनको इससे 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं। यार वो न्यूज में बोलता है यार। पंखा लगाओ, गर्मी बहुत हो रही है। हाँ यार गर्मी बहुत लग रही है यार। ओह ये वहां से हवा इधर खींच रहा है, तो मैं अगर इसके और हवा के बीच में आ जाए तो हवा आएगी। तो सारी हवा खींच के इधर आ रही है, क्या बात कर रहे हो? इसमें तो कंफर्टेबल हूँ यार, एंजॉय करो। देखो फैमिली, मैं जो बनाने जा रहा हूँ ना, मैं बनाने जा रहा हूँ अपना पास्ता, ठीक है? पास्ता, रेड सॉस पास्ता, आपको पता ही है राइट? वो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं राइस नूडल मिक्स कर दूंगा। आह हा, जो टेस्ट आएगा मैं कहता हूँ मार्वलस मैन। मार्वलस नहीं, मार्वलस मार्वलस। So, family, अभी मैं बेसिकली बुक पढ़ रही हूँ जिसका नाम है ट्विस्टेड लाइज। है? ट्विस्टेड लाइज? Yes. तो लाइज मतलब झूठा, झूठ नहीं मतलब झूठ बोल रहे हैं, और घुमा फिरा के झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ तो घुमा फिरा के होता है? नहीं, सिंपल झूठ भी तो होता है। नहीं, एक होता है फुद्दू वाला झूठ जो मैं बोलता हूँ, और एक प्रोफेशनल झूठ। तो ये इसकी 4 सीरीज है, ये मैं 4 इसकी बुक पढ़ रही हूँ। पहली का नाम है ट्विस्टेड लव, घुमाया मेरे को लगता है जो लिख रहा है वो खुद ही बड़े ट्विस्टेड है। लड़की लिख रही। सो आगे अभी आ गई डूडी प्लेलिस्ट। ओ प्लेलिस्ट, इसमें गाना है केसरिया तेरा, उठ जाता है। केसरिया चोरी की है। ओ क्यों कहती? हाँ तूने गाना सुना लाड़ी छुट्टी? जब ये सो के उठता है इसकी लाड़ी छुट्टी होती है। नहीं उसमें जो थोड़ी सी राइम है ना, कैसे वो जो नहीं 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 इल्जाम लगाना तो अच्छे से लगाओ ना। मुझे लिरिक्स नहीं आते, मैंने क्या हुआ जो नारी चूटी। हाँ
ये तो वो गाना गा रही है। हाँ, ये सर ये गा हाँ ये तो लारे छूटी। अब केसरिया बता केसरिया भी ऐसे ही है के लारे छूटी फिर वही बोली जा रही है। अरे हाँ, लारे छूटी क्यों बोली जा रही है टूटी। फैमिली पता नहीं कुछ तो बनी रहे पर बनी रहे खाने को नसीब कब होगा भाई। और 1.5 घंटा हो गया कुछ खिला ही नहीं रहे ये साला खुद अकेले ब्रेड खा के ये देखे सबूत। और इसको ये नहीं पता कि उधर से ना ब्लैक कलर का कोई भी थैला लेके ये सब गंद भी डालना है सब इसमें सिंक में डाल दिया। और फैमिली ये अब की बात ही हर दिन का काम है उसका। इसको कुछ भी कह दो ये ऐसे ही करता है हर चीज की वेस्टेज ना इसको ही आती है। फैमिली आप मुझे बताओ कि इसमें फेंकने से अच्छा बनता ये नहीं कि अच्छे से आराम से फेंक सके। So family, finally, हमारे राइस नूडल बन चुके हैं। ये देखे इतने थिक हैं ये देखे। अब हम खा के देखेंगे टेस्ट क्या है इसका। रेडी रुक जा नाइस एक्चुअली गुड। आई फील लाइक कि फैमिली ये थोड़ा ज्यादा हेल्दी है यू नो। यस मैदा नहीं ना होता ये राइस है ना तो राइस कहाँ से हेल्दी होते बे। मैदा तो नहीं है ना यार ये राइस के ये नूडल बनाते कैसे हैं तो मेरे हिसाब से पता क्या करते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं जैसे ये बिल्कुल स्ट्रेट है ये देखें है ना तो वो क्या करते हैं एक एक राइस का टुकड़ा लेते हैं उसको स्ट्रेट खड़ा कर देते हैं फिर अगली लाइन स्ट्रेट बनाते हैं फिर तीसरी लाइन स्ट्रेट बनाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर जैसे हम आटा रोटी बनाते हैं रोटी ऐसे पेलते हैं तो वो भी उसको वैसे पेलते हैं। अब वो क्या होता है राइस इतना होता है वो इतना हो जाता है जब वो इतना हो जाता है फिर वो ऐसे ही उसको पाउडर को पकड़ के बोलते हैं अब इसको कैसे बनाएं फिर कहते हैं हम ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं फिर वो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं फिर हम खा रहे हैं गाइस ऐसे बनते हैं राइस वाले नूडल। यस वाओ सो फैमिली हम लोग अब सोने जा रहे हैं बिकॉज बाहर बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है एंड हमें पता है कि कभी भी लाइट जा सकती है सो इट्स बेटर टू स्लीप। और सिर्फ आज मैंने खाई है पाथाई नूडल्स यानी कि ये जो नूडल्स इसने घर पे बनाई है वो खाई है और उसके अलावा चैलेंज शुरू होने से पहले आई जस्ट हैड माई ओट्स उससे मैंने कुछ नहीं खाया। अच्छी डाइटिंग हो रही है आई एम लाइकिंग इट। मेरे को तो अभी नींद आई नहीं है तो मैं यू नो प्रोबब्ली आई विल वॉच नेटफ्लिक्स और समथिंग। मैंने सुबह से खाया है रोटी फिर ब्रेड फिर चाय के साथ एक फुल पैकेट बिस्किट का एंड देन पाथाई नूडल्स एंड इट्स टाइम टू स्लीप। And diet बड़ी अच्छी चल रही है because diet किसको चाहिए यार जब आप पे capsules है पतले होने के। क्यों लोगों को फुद्दू बना रहा है। Family मैंने सुबह से अभी मैं क्या बताऊँ यही सब मैंने खाया है but अभी मुझे आ रही नींद मेरी skin care and all मैंने पहले कर ली थी so I am all ready to sleep। गुड मॉर्निंग फैमिली बहुत मुश्किल भाई रात निकाली है बैक दुख रही है ज़बरदस्त पता नहीं बच्चे कैसे सोए हैं इट वॉज मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज कोई गद्दे नहीं थे हमारे पास कोई पिल्लो नहीं था हमारे पास लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से सोए हैं और बच्चों ने अपना चैलेंज कंप्लीट किया है आई एम सो हैप्पी। मॉर्निंग हो चुकी है दीक्षा उठना ओए दीक्षा उठ जा यार चलना यार। संजय उठ ओए संजय उठ सुबह हो गई भाई। अबे साले चैलेंज छोड़ के चले गए फैमिली बेशरम मुंडा अबे बता के तो जाओ भाई शर्म है थोड़ी तुझे हैं शर्म है तुझे बंदे को बता ही दे कि तू चैलेंज हार गई और बाहर चली गई है मैं तब से लेटा हूँ। आई डोंट केयर मैं सच्ची बताऊँ इतनी मेरी पीठ दर्द है मुझे कोल्ड हो गया तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी मैंने कहा बाहर में गया चैलेंज में अपनी तबीयत नहीं खराब कर सकती।
तो फैमिली आपका रीत जीत चुका है। तो पीछे हो, मैंने भी थोड़ी देर सोना है। फैमिली थोड़ी देर में बात कर, थोड़ी देर में बात करते हैं फैमिली। गुड नाइट।